కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. CPSE dividends. We covered up a lot through direct tax revenues. We also covered up through some extra disinvestment. But I think there is a small gap which is left behind. And the predominant part of that gap really is the 11th month revenue, besides the other factors that I mentioned. On the expenditure and the prioritization, we looked at areas which required the maximum support. And obviously it was the agriculture and the rural areas which came foremost to our mind. मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में और किसानों को किसी प्रकार से सहायता की जाए बजट के माध्यम से, ये एक प्राथमिकता थी. और इसलिए उस प्राथमिकता में ये जो कुछ घोषणा ग्रामीण क्षेत्र के बारे में की गई एमएसपी के संबंध में और उसके अतिरिक्त अन्य स्कीम्स जो हैं, वो इस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए की गई. दूसरी प्राथमिकता ये थी कि जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनकी सहायता की जाए. और वैसे भी सरकार का एक प्रयास रहा है कि कई योजनाओं के माध्यम से हम उस वर्ग की विशेष रूप से सहायता करने का प्रयास करते हैं. इसमें उज्ज्वला योजना की संख्या 8 करोड़ कर देना और जो मेगा हेल्थ स्कीम हम लोगों ने अनाउंस की है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी योजना है. और उस योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को चुनना, वो एक सामाजिक क्राइटेरिया, आर्थिक क्राइटेरिया अवेलेबल रहता है जिसके माध्यम से उसका चयन होगा. हमने ये भी कहा है कि इसका सफलता पर निर्भर करते हुए आगे इसको यूनिवर्सल किया जाए. और एक 5 लाख तक का सालाना इंश्योरेंस कवर हॉस्पिटलाइजेशन का उनको मिले, एक प्रयास है. जितनी योजनाएं हैं उसके ऊपर जितना एक्सपेंडिचर मेंटेन करना था किया है. इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी प्राथमिकता सरकार की है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रामीण सड़कें, हाईवेज, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब प्राथमिकता के अपने केंद्र रहे हैं. जहां तक टैक्सेशन रिलीफ है, इसमें 3 वर्ग ऐसे हम लोगों ने चुने हैं. एक पुरानी कमिटमेंट थी कि हमने कहा था कि जब धीरे धीरे एग्जेम्पशंस कम होंगी तो हम कॉर्पोरेट टैक्स को 25% करेंगे. लेकिन एग्जेम्पशंस तुरंत समाप्त कर देना सरल नहीं है क्योंकि हर एग्जेम्पशन की भविष्य की कोई सनसेट डेट है. और इसलिए अभी एग्जेम्पशंस अधिकतर चल रही हैं और फिर भी धीरे धीरे 50 करोड़ और आज 50 करोड़ से 250 करोड़. 250 करोड़ का आधार यह है कि नई जो मीडियम इंडस्ट्रीज की आउटर लिमिट है वो 250 है, तो सारा एसएमई सेक्टर उसमें कवर होता है. और उनको टैक्स रिलीफ की श्रेणी में ले आना, सैलरीड क्लास के लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन वापस लेकर आना, और उसका एक बहुत साउंड आधार हम लोगों ने दिया है क्योंकि टैक्स पेमेंट का अधिक बोझ इस वर्ग पे पड़ता है और जो अन्य वर्ग है वो तो अपने एक्सपेंसेस वगैरह बिजनेस अकाउंट्स में जोड़ लेते हैं, इस वर्ग को वो सुविधा नहीं मिलती.
और इसलिए इस वर्ग को उसका लाभ मिले। और इसके अलावा एक कुछ एवेन्यूज टैक्स रिलीफ के भी और इन्वेस्टमेंट के भी बढ़ाए जाएं सीनियर सिटीजन्स के। ये तीन वर्ग हम लोगों ने विशेष रूप से चुने हैं। जहां तक साधन जुटाने का प्रश्न था, आप एक दृष्टि से यह भी मान सकते हैं कि जैसे ही आर्थिक दृष्टि से देश प्रगति करता है तो सामाजिक सुरक्षा के कुछ बिंदु समाज में बढ़ने पड़ेंगे और आगे और भी बढ़ेंगे। अ सोशल सिक्योरिटी नेट हैज टू बी क्रिएटेड, और उस सोशल सिक्योरिटी नेट को बनाने के लिए साधन रिसोर्सेस चाहिए। वन % सरचार्ज प्रत्यक्ष रूप से उस सोशल सिक्योरिटी रिसोर्स की तरफ जाता है। इसका बोझ भी सीमित है लेकिन इसका लाभ एक बड़े वर्ग को मिलता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का निर्णय कई वर्षों से बार बार चर्चा में आता था, और जैसा कि बजट के भाषण में भी मैंने कहा कि 3,67,000 करोड़ पिछले असेसमेंट ईयर में एग्जेम्प्टेड इनकम थी एलटीसीजी में, और 3,67,000 करोड़ में से अधिकतर इनकम लार्ज कॉरपोरेट ग्रुप्स की ही है, चाहे वो स्थानीय हैं चाहे विदेशी हैं। और समाज को साधन चाहिए। एक स्थिति अर्थव्यवस्था की होती है कि जब आप इंसेंटिवाइज करते हो और जब मजबूती आती है तो आप में एक विश्वास बनता है कुछ कदम उठाने का, और ये उपयुक्त वक्त समझा गया। लेकिन इसमें क्योंकि हम लोगों की एक मान्यता है कि किसी भी टैक्स का प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो यही कारण था कि हमने 31 जनवरी 2018 तक जितनी इन्वेस्टमेंट आई है उसको प्रोटेक्ट किया, ग्रैंडफादर किया। वी प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडफादर्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट दैट केम इन टू 31st of January 2018, एंड देयरफॉर इट इज ओनली एनी गेन इन द कैपिटल विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st of February दैट विल बी लायबल फॉर द कैपिटल गेन्स टैक्स इटसेल्फ। And we kept the rate also below the short-term rate. The short-term rate is 15%. We kept this rate at 10%. And I'm sure between these various moves, we'll be able to have an additional resource collected, which will help us to maintain this prudence, between the fiscal prudence and maintain a balance along with the requirements of expenditure which were necessary. Just one last brief point. We've been speaking in terms of creating an institutional mechanism on salaries paid to elected members of the legislative bodies.